केटीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बरवक्त मिल सके। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना इस्माइल शुजाबादी साहब, जो मरकजी रहनुमा हैं आलमी मजलिस तहफ्फुज़ ख़त्म नबूवत, और इस वक्त कॉन्फ्रेंस में शिरकत फरमा रहे हैं। उनसे हम बात करेंगे और 7 सितंबर 1974 के फैसले के हवाले से, तारीख साज़ जो दिन है उसके हवाले से उनका पैगाम जो है वो आप तक पहुँचाएँगे, और फिर उसके बाद उनसे पूछेंगे कि आज ये जो मीनार पाकिस्तान के साए तले अज़ीम शान फ़क़ीरुल मिसाल कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी है, उसके हवाले से किन ख्यालात का इज़हार करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं मीनार पाकिस्तान में, लाहौर में, जहां पर क्या कहते हैं अज़ीम शान ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस जारी है। 7 सितंबर को कादियानियों को गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया, इस दिन के हवाले से क्या पैगाम? 7 सितंबर 1974 को 90 साल जिद्दोजहद रंग लाई और आईने पाकिस्तान में दूसरी मुत्तफ़िका आईनी तरमीम के ज़रिए कादियानियों को काफिर करार दिया गया। देखिए, हमारे आईन में 20 से ज़्यादा तरामीम हो चुकी हैं और वो सब मुतनाज़ हैं, लेकिन 7 सितंबर को होने वाली आईनी तरमीम में एक मेंबर ने भी इख्तलाफ नहीं किया, हत्ता कि उसमें गैर मुस्लिम 2-3 मेंबरान भी मौजूद थे। तो ये एक मुत्तफ़िका आईनी तरमीम है, इसकी हिफाजत के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद हो रहा है। देखिए, आका नामदार सरवर कौन मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त व नामूस और अकीदा ख़त्म नबूवत की हिफाजत हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, सिर्फ उलमा का फ़र्ज़ नहीं है, सिर्फ मजहबी तबके का फ़र्ज़ नहीं है, हर वो आदमी जो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानता है, मोहब्बत रसूल के इश्क रिसालत माब के दावे करता है, उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत की हिफाजत और इन कवानीन की हिफाजत के लिए भी अपना असर रसूख इस्तेमाल करे, अपने साय अमल और अपनी सलाहियतों को बरकरार लाए।